इस मॉड्यूल में हम फाइलम एकाइनोडर्मेटा के रिप्रेज़ेंटेटिव सी स्टार्स के अंदर फोटो पीरियड्स और फिरमोन्स को स्पानिंग की इंडक्शन के रोल में डिस्कस करेंगे फोटो पीरियड क्या है फोटो पीरियड है द रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क इन 24 फोर आवर्स पीरियड कि 24 फोर आवर्स में कितने आवर्स लाइट रहती है कितने आवर्स डार्कनेस का पीरियड है इसका ओबियसली एनिमल की स्पानिंग के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है इस इफेक्ट को हम देखेंगे कि किस तरह से सी स्टार्स अपने ऊपर लेती हैं इसी तरह से एनवायरनमेंट जो है जिसमें एनिमल रह रहे हैं ओबियसली ये मेरीन एनिमल्स हैं तो इनका एनवायरनमेंट भी सी वाटर है लेकिन सी वाटर के अंदर बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे लाइट टम्परेचर ये सारे के सारे एक्सटर्नल uh, फैक्टर्स दे हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन एग प्रोडक्शन एज वेल एज इन स्पानिंग एंड इन टर्न दिस इफेक्ट द सेक्शुअल एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ऑफ द फाइलम एक अब गैमिटोजेनिस क्या प्रोसेस है गैमिटोजेनिस है द प्रोसेस ड्यूरिंग विच गैमिट्स जो हैं जो कि मेल गैमिट्स स्पम्स हैं फीमेल गैमीट्स एग्ज हैं दे आर प्रोड्यूस्ड और दे विल बी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू दी एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर इफेक्टिंग द बॉडी ऑफ दी एनिमल अब इसमें एग्जाम्पल जो है वो दी गई है वेस्ट कोस्ट सी स्टार पाइसेस्टर ओक्रेशियस की ये नॉर्मली इसके अंदर जो गोनेडल ग्रोथ का प्रोसेस है दिस स्टार्ट्स इन द फॉल एंड लीड्स टू लार्ज गोनेड्स जो के फुल ऑफ गेमीट्स होंगे इन द स्प्रिंग सीजन वेन द स्पानिंग टेक्स प्लेस इसके अलावा जो एक इंडिजुअल के अंदर गैमीट्स बनते हैं दिस इज ऑल्सो अ कंपनीड बाय द रिलीज ऑफ स्पानिंग फिरोमोन्स यानि एग प्रोडक्शन में स्पम प्रोडक्शन में या स्पानिंग के प्रोसेस में फिरमोन्स जो हैं दे आर ऑल्सो प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल अब ये फिरमोन्स क्या करते हैं ये इंडक्शन का प्रोसेस जो है उसको इन्हांस करते हैं यानी ये फिरमोन्स सी स्टार की बॉडी पे इंड्यूस करेंगे सी स्टार्स को कि ये एग्गेमिट्स की प्रोडक्शन को इन्हांस करें और ये स्पॉनिंग जो है इट आल्सो एनहांसेस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अब ये जो फिरोमस उस वाटर के अंदर मौजूद हैं ये ना सिर्फ़ उस सी स्टार के अंदर गैमिट्स की प्रोडक्शन को इनहान्स करेंगे स्पानिंग को इन्हांस करेंगे बल्कि उसके सराउंडिंग में जितनी भी सी स्टार्स जो हैं वो रह रही होंगी वहाँ से फिरोमोन वाटर के थ्रू ट्रेवल करते हुए बाकी एनिमल्स या जो कि इसी की रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी स्टिमुलेट करते हैं कि उनके अंदर भी फर्टिलाइजेशन का स्पॉनिंग का प्रोसेस जो है वो एनहांस हो इसके अंदर हम ये भी देखते हैं ये जो फर्स्ट इंडिविजुअल है स्पीशीज़ का जो के जिसके अंदर स्पानिंग का प्रोसेस इन्हांस होता है दे रिलीज आ फिरमोन अब ये फिरमोन्स जो हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फिरम दिस अट्रैक्ट्स द अदर स्टारफिश टू एग्रीगेट एंड टू रिलीज गैमिट्स सिंक्रोन इसके अलावा जो दूसरी स्पीशीज़ जो हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फिरमस There is also attraction between male and female species, and mostly the fertilization, the production of gametes, ya spawning. This is all under the influence of pheromone that is released from the body of the sea stars that is living in the and sea, or exclusively, as we know, echinoderms are the marine animals, they live in the sea water. और इसमें जो फोटोपीरियड और फिरमोन्स दे आर हैविंग इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिलीज़ ऑफ गैमेट्स एज वेल एज़ इन फर्टिलाइजेशन एज वेल एज इन स्पान